जय श्री कृष्ण। स्टार प्लस की यूट्यूब पेज पर आने के लिए आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद। अपने फेवरेट शो देखने के लिए स्टार प्लस की यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब करें और वो बेल आइकन को हिट करना मत भूलिए। ध्यान रखो। आज और अभी स्वेतलाना से रोका कर। क्या चाहते हैं आप हमसे? इतना जुर्म काफी नहीं था कि हमें ओंकार जी के घर में पहुंचा दिया, जो अब एक दुख और दे दिया। हमारे पति की दूसरी शादी हो रही है। हमने वादा किया था ना तो उन पर बोझ बनेंगे ना अपने रिश्ते को उन पर थोपेंगे। वादा तो कर लिया, वादा करना बहुत आसान है ना, निभाना मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। हमारे पति की दूसरी शादी हो रही है, वो भी अपनी चाची की उम्र की मनमानिया के साथ। हम जानते हैं उन्होंने हमसे कोई वादा नहीं किया था और इस शादी का कोई मतलब भी नहीं है उनके लिए। हम जानते हैं हमें कोई शिकायत नहीं है उनसे, वो करे दूसरी शादी। आपसे एक दिन थी इस चिड़ैया पे मुसीबत डाली है ना, तो उसे इस मुसीबत को झेलने की शक्ति भी दीजिए। 3 महीने तक हम इस घर में रहे, बस 3 महीनों तक गौरी शर्मा का विश्वास टूटने मत दीजिएगा सरपंच, टूटने दीजिए। और फिर जिसके आप रक्षक, उसका कौन भक्षक है ना। What an idiot! मैंने तुम्हें यहाँ मूर्तियों से बात करने के लिए नहीं रखा है, अब खड़े क्या हो? ओमकारा के रूम में जाओ, उस पे नजर रखो। याद है ना तुम्हें तुम्हें क्या करना है, वो क्या करता है, किससे मिलता है, कौन उसे फोन करता है, वो किससे फोन करता है। मुझे हर चीज की खबर चाहिए, एक एक सेकंड का हिसाब चाहिए मुझे। वो आपके होने वाले पति हैं, फिर ऐसी बावरी पीलिया की तरह उनके पीछे लगे रहने से क्या फायदा? और फिर हमारी मानिए तो पति पत्नी के बीच विश्वास होना चाहिए सुल्ताना जी। इट्स स्वेतलाना, और पति पत्नी के बीच में क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए ये मुझे नौकर से सीखने की जरूरत नहीं। वो मैं तो बस इसीलिए पूछा था क्योंकि पूरे परिवार के सामने उन्होंने आपका हाथ थामा, अपने से उम्र में इतनी बड़ी बुमनिया के साथ रोका किया, तो इसका मतलब तो यही हुआ ना वो आपसे रिश्ता रखना चाहते हैं। वो तो ऐसे कह रहे हो जैसे कि ओमकार की होने वाली वाइफ मैं नहीं तुम हो। और अगर तुमने दोबारा मेरे और ओमकारा के एज डिफरेंस के बारे में मेंशन किया तो तुम्हारे लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। तुम नौकर हो और मालिकों के रिश्ते नौकर नहीं समझ सकते। वैसे भी रिश्तों की बारीकियां सिर्फ एक औरत ही समझ सकती है। जब एक लड़की की शादी होती है तो उसके मन में बहुत सारे डर, बहुत सारे कंसर्न होते हैं अपने फ्यूचर हस्बैंड को लेकर। मैं जानना चाहती हूँ कि ओमकारा क्या करता है, मेरे बारे में क्या सोचता है। मुझे ओमकारा की फिक्र है। हाँ, पर ये सब तो हम उनसे दूर रहकर भी पता कर सकते हैं ना, इसके लिए कमरे में रहने की कहाँ जरूरत है? और फिर ऐसे 24 घंटे उनकी धूम बने फिरते रहेंगे तो उन्हें लगेगा ऐसा चिपकू चिरौटा है। क्या क्या है? चिपकू चिरौटा। Whatever. तुम बस इतना याद रखो तुम्हें क्या करना है, और ये याद रखना कि तुम नौकर हो और मैं मालिक। अब जाओ जाओ
तुम तो ऐसे बिहेव कर रहे हो जैसे कि तुम ओम खरा की नई नवेली दुल्हन हो और मैं तुम्हें उसके कमरे में सुहाग रात मनाने भेज गई। जाओ उसके कमरे में, चलो। प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।